हेलो एवरीवन आपका स्वागत है स्टडी चैनल विपिन कुमार अभी पे तो आज हम लोग यूनिट एंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे और ये लेक्चर लास्ट होगा इस चैप्टर का ठीक है जैसे कि आपको पता हुआ कि हमने जनरल साइंस का एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था नाइनटी डेज मास्टर प्लान ठीक है इस मास्टर प्लान में हम लोग जनरल साइंस का पहले फिजिक्स देख रहे थे जनरल साइंस में एक खत्म होने के बाद समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री देखेंगे और फिर बायो देखेंगे ठीक है तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो आज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में सदिश और अदिश के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे ठीक है चलिए so, इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सदीश क्या होता है ठीक है इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सदीश क्या होता है तो सदीश क्या होता है तो वैसी राशि है सदीश जिसमें डायरेक्शन और परिमाण होता है ठीक है और अधिस वैसी राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है डायरेक्शन नहीं होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर हमारा देखते हैं ठीक है चलिए बोला है द्रव्यमान कौन सी राशि है तो द्रव्यमान अधीश राशि है आप लोग जानते हैं द्रव्यमान कौन सा राशि है अधिश राशि है दाब कौन सी राशि है दाब भी अधिश राशि है ध्यान दीजिएगा चाल कौन सी राशि है भी अधीश राशि है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आयतन कौन सी राशि है तो ये भी अधिस राशि है कार्य कौन सी राशि है ये ये भी भी राशि 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 है 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 शक्ति कौन सी नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा कौन सी राशि है ये भी राशि है ऊर्जा कौन सी राशि है दोस्त ये भी राशि है दूरी कौन सी राशि है ये भी अधीश है ऊर्जा दूरी कार्य ये सब क्या है अधीश राशि है विद्युत धारा भी क्या है अधीश राशि ही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे आवर्त

ये कौन सी राशि है तो सदिश है बल कौन सी राशि है भी सदिश है संवेक कौन सी राशि है ये भी सदिश है नेक्स्ट देखेंगे आवेग कौन सी राशि है तो ये भी सदिश है आवेग कौन सी राशि है तो ये भी सदिश है हाँ फ्रेंड ध्यान दीजिएगा इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा तो आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन मिलेगा ठीक है उसका आपका जवाब उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में ठीक है और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियो समय पर समय मिल सके ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आवेग कौन सी राशि है, है. तो भी सदीश है आवेग कौन सी राशि है सदी है विद्युत घनत्व कौन सी राशि है है विद्युत घनत्व कौन सी राशि है घनत्व क्या है सदीश राशि है चलिए नेक्स्ट देखेंगे विद्युत घनत्व कौन सी राशि है कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा सदीश राशि है चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है ये भी सदीश है ठीक है यानी मैग्नेट मैग्नेटिक क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है तो सदिश राशि है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे विद्युत ऋतता कौन सी राशि है सदिश राशि है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा राशि प्राप्त होता है बोला पदार्थ के संवेग यानी पदार्थ का संवेग बोला है ठीक है पदार्थ का संवेग बोला है ध्यान दीजिएगा पदार्थ का संवेग बोला है यानी p v ठीक है और बेक के अनुपात से कौन सा राशि प्राप्त होता है और वेग के अनुपात से कौन सा राशि प्राप्त होता है ठीक है तो इससे कट गया सॉरी क्या था एम था एम भी फिर से देखते हैं ठीक है बोल रहा है, है, है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा राशि बनेगा पदार्थ का संवेग क्या होता है पी बराबर होता है एम भी होता है और

ठीक है यानी में बेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या होता है ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या होता है ई e वोल्ट होता है की है क्या होता है इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ध्यान दीजिएगा ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या होता है तो ई वोल्ट यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ एक नहीं हुआ ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर कितना जूल होता है आपसे पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर कितना जूल होता है तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जूल होता है ठीक है ध्यान दीजिएगा एक दशमलव छुने दस के पावर माइनस उन्नीस जूल होता है ठीक है ध्यान दीजिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक न्यूटन बराबर होता है तो एक न्यूटन बराबर होता है एक न्यूटन बराबर क्या होता है एक न्यूटन बराबर होता है एक न्यूटन बराबर होता है दस के पावर पाँच डाइन ठीक है एक न्यूटन बराबर क्या होता है दस के पावर पांच डाइन होता है चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे एक इंगस्टम बराबर होता है एक इंगस्टर्म बराबर क्या होता है तो दस के पावर माइनस दस मीटर होता है ठीक है एक इंगस्टम बराबर क्या होता है दस के पावर माइनस दस मीटर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है तो ये होता है सात सौ छियालीस नेक्स्ट देखेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है तो ये होगा किलो वाट घंटा क्या होगा फ्रेंड्स किलो वाट घंटा के डब्लू एच होता है ठीक है ध्यान दीजिएगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे लंबी दूरी पर होता है ठीक है प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्र सकते हैं ठीक है प्रकाश वर्ष चलिए एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं आपसे पूछेगा सबसे तो पहले तो ध्यान लंबी दूरी का मात्र क्या होता है यानी पर... खगोलीय लंबी दूरी का मात्र क्या होता है तो प्रकाश वर्ष बोलेगा और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया तो ये होगा नौ दशमलव नौ दशमलव चार छ गुने दस के पावर पंद्रह मीटर होगा ठीक है ध्यान दीजिएगा चलिए दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है ध्यान दीजिएगा प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का इकाई है लेकिन दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पूछे दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पूछे तो ये हो जाएगा पारसेक ठीक है क्या होगा फ्रेंड्स पारसेक होगा जो कि ये है ठीक है एक पारसेक बराबर होता है एक कितना क्या चीज होता होता है तो एक लग, टू टू लाइट होता है तो बराबर यानी लाइट ईयर ठीक है ना एक पार्सिक बराबर ठीक है लेकिन एक बराबर तीन दशमलव दो छ होता है प्रकाश वर्ष ठीक है यदि आपसे मीटर में पूछे मीटर में पूछ दे तो होगा तीन दशमलव जीरो आठ गुने दस के पावर सोलह मीटर होगा ठीक है यहाँ मीटर छूट गया था इन ध्यान दीजिएगा यहाँ मीटर होगा ठीक है तो क्या होगा एक वार्षिक बराबर हो जाएगा तीन दशमलव दो छः प्रकाश वर्ष या तीन दशमलव जीरो आठ गुने दस के पावर सोलह ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक किलो वाट बराबर होता है एक किलो वाट बराबर क्या होता है एक किलो वाट बराबर यदि आपसे पूछ दें ठीक है एक, तो हो एक किलो वाट बराबर यदि आपसे पूछ दे तो होगा होगा क्या तीन दशमलव क्या फ्रेंड ध्यान दीजिएगा एक किलो वाट बराबर यदि आपसे पूछता है तो होगा उसका तीन दशमलव छ गुण दस के पावर छः जूल ठीक है ध्यान दीजिएगा तीन दशमलव छः गुण दस के पावर छः जूल होगा ठीक है यदि आपसे पूछता है एक डाइन बराबर क्या होता है तो दस के पावर पाँच न्यूटन होता है एक डाइन बराबर क्या होता है तो दस के पावर पाँच न्यूटन होता है ठीक है यदि ध्यान दीजिए एक अर्ग बराबर क्या होता है दस के पावर सात न्यूटन सात जूल होता है एक अर्ग बराबर कितना होता है दस के पावर सात जूल होता है एक बार बराबर क्या होता है तो एक बराबर होता है दस के पावर पाँच पास्कल होता है ठीक ना दस के पावर पाँच पास्कल होता है ठीक नेक्स्ट देखेंगे एक माइक्रो बराबर होता है तो एक माइक्रो बराबर होता है एक माइक्रो बराबर होता है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स एक माइक्रो बराबर होता है दस के पावर दस के पावर माइनस छः मीटर होता है ठीक ना दस के पावर क्या होता है माइनस छः मीटर होता है एक माइक्रो बराबर क्या होता है दस के पावर माइनस छः मीटर होता है ठीक है एक पिको बराबर क्या होता है एक पिको बराबर दस के पावर माइनस बारह मीटर होता है ठीक ना एक पाउंड बराबर होता है कोई आपसे पूछेगा एक पाउंड बराबर क्या होता है कितना ग्राम होता है तो चार सौ तिरपन ग्राम होगा क्या होगा चार सौ तिरपन ग्राम होगा एक पाउंड बराबर ठीक है चलिए एक इंच बराबर कोई पूछ दे आपसे एक इंच बराबर पूछ दे तो एक इंच बराबर दो दशमलव पाँच चार सेंटीमीटर होता है ठीक है एक इंच बराबर यदि कोई आपसे पूछ दे तो एक इंच बराबर क्या होता है दो दशमलव पाँच चार सेंटीमीटर होता है तो आज अपना क्वेश्चन समाप्त हुआ जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बताइएगा कि तो फ्रेंड क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन आपका यह है कि प्रकाश में प्रकाश में बेग बैग का खोज फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा प्रकाश में बेग का यानी बेग यानी वेलोसिटी का खोज किसने किया था ठीक है आप बताइएगा प्रकाश में बेग यानी वेलोसिटी का खोज किसने किया था तो ठीक है आज के लिए इतना ही इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यदि आप फ़र्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ठीक है यदि इसका पी आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक क्लासेस पे विजिट कीजिएगा इसका पी मिल जाएगा ठीक है चलिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो समय पे मिलता रहे ठीक है और लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को अच्छा लेक्चर पसंद आया जाएगा तो वीडियो को यानी लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ठीक है चलिए आज के लिए धन्यवाद ठीक है धन्यवाद